नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठान। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अभी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही। उनके नेता राहुल गांधी को अदालत की ओर से 2 साल की सजा सुनाई गई है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब राजस्थान में भी सचिन पायलट भी कांग्रेस की फ्लाइट छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे ने कांग्रेस के भीतर चल रहे घमासान पर चुटकी ली, जहां पर उनका कहना क्या था, चलिए आपको सुनाते। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, फिर विपक्षी एकता का दीवा स्वप्न देखे। आज आलम यह है कि खुद की पार्टी अंतरकलह से जूझ रही है, तो विपक्षी दलों को एकमत करना इनके बस में नहीं रहा। मंगल पांडे ने कहा कि ताजा उदाहरण राजस्थान कांग्रेस की हालिया बगावत से लीजिए, जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच चल रही तनातनी फिर भड़क गई है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष और आलाकमान लाचार दिख रहे हैं। मंगल पांडे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। हाल ही के दिनों में कांग्रेस के कई वरीय नेता बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 दिन में कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं, जहां बीजेपी की स्थापना दिवस 6 अप्रैल को केरल के पूर्व सीएम के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ठीक दूसरे दिन यानी कि 7 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। मंगल पांडे ने कहा कि दक्षिण की राजनीति में बीजेपी के लिए ये बड़ी सफलता है। इसके पहले कांग्रेस के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद और मौजूदा दौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े दिग्गज भी कांग्रेस की गलत नीतियों और पूर्व सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व को नकार कर पार्टी छोड़ चुके हैं। हद तो तब हो गई जब हाल ही के दिनों में कांग्रेस के वरीय नेता गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि राहुल को राजनीति करनी नहीं आती और उसी की वजह से पार्टी छोड़ी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीधी टक्कर दे रहे सचिन पायलट कांग्रेस की फ्लाइट छोड़ने वाले हैं? बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडे ने कहा कि सचिन पायलट ने अपने ही सीएम अशोक गहलोत को चुनौती दी है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस ही देश की बागडोर संभालने का सपना देख रहे हैं। मंगल पांडे ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में भी पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठेंगे। तो कांग्रेस के भीतर कला जो इरार की लकीरें है, ये एक बार फिर से चौड़ी होती दिख रही। तो दूसरी तरफ बिहार नेता मंगल पांडे ने कहा कि देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी की तलाश में खड़ी है। राजस्थान, उत्तराखंड, हर तरफ कांग्रेस के अंदर फूट है, गुटबाजी है। ऐसे में मंगल पांडे ने कहा कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की हालिया प्रदर्शन से नाखुश है और उन पर हमलावर है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम दलों से फोन करके मिलने की गुजारिश कर रहे हैं, जो उनका राजनीतिक पतन है। ऐसे में क्या सच में ये कांग्रेस का, खासतौर पर बिहार में, पतन है? इस सवाल के साथ मैं लूंगी आपसे इजाजत। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।